नमस्ते हिंदुस्तान, मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube चैनल नवीन लॉ लाइव पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो अभी प्रेस रिलीज हुआ है उसी को डिस्कस करेंगे। वो जो प्रेस रिलीज जो आया हुआ था और उसको बाद में सर्कुलर किया गया, वो है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या है और ये पहले जो 26AS स्टेटमेंट था उससे क्या डिफरेंस है, यही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट लॉ और टैक्स से रिलेटेड आप तक पहुँचता है। आइए वीडियो स्टार्ट में करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो रिलीज किया है, ये आखिर है क्या? फ्रेंड्स, ये कोई डिफरेंट थिंग नहीं है। ये 26AS स्टेटमेंट जो पहले टैक्स पेयर को मिलता था, वो उसके पोर्टल पे जब भी आप लॉग इन करते थे तो 26AS स्टेटमेंट उनको दिखता था, या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डाउनलोड करके फिर अपना टैक्स का क्या स्टेटस है उसके बारे में जानते थे। वही 26AS जो पहले था उसी का अपडेटेड वर्जन ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। मीन्स अपडेटेड, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अपडेटेड जो है ये वर्जन है, कोई जो है ये कोई न्यू चीज नहीं आया हुआ है इनकम टैक्स के द्वारा टैक्स पेयर के लिए। ये वही जो पहले था 26AS स्टेटमेंट, वही है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। लेकिन यही है कि इसमें कुछ अपडेटेड वर्जन है ये, और इसको अपडेटेड वर्जन होने के कारण जो इसका नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया। पहले 26AS के रूप से जाना जाता था, अब जो है ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के रूप से जाना जाएगा। अब दोनों में जो है अपडेटेड वर्जन है तो मीन्स तो कुछ तो डिफरेंसेज हो गए हैं। तो इसमें डिफरेंसेज हैं, डिफरेंसेज क्या हैं कि पहले टैक्स पेयर के जो इंफॉर्मेशन हुआ करते थे वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन 26AS में नहीं होते थे। लेकिन अब जो ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आया हुआ है, ये टैक्स पेयर का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा। अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग है उसको देखते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मीन्स है क्या कि आपका जो भी इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में चल रहा है सब कुछ आपको वहां पे दिखेगा। 26AS में सारी चीज नहीं दिखते थे जो है, लेकिन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में सारी चीज दिखेगा। आप 26AS में था क्या कि आपका नेम रहता था, पेन नंबर रहता था, उसके बाद आपका टैक्स क्या डिडक्शन हुआ है या क्या टैक्स कलेक्शन हुआ है, या फिर आपका जो है कितना आपको जो है ना एनुअल पैसे दिए गए हैं अगर टैक्स डिडक्शन हुए हैं, और आप रिफंड किया है, इंटरेस्ट किया है, आपको क्या लगा है, अगर डिपार्टमेंट आपका रिफंड आपको दिया है तो वो रिफंड किया है कितना अमाउंट है, और रिफंड पे इंटरेस्ट, यही सब उसमें रहता था, इससे ज़्यादा उसमें नहीं रहता था। लेकिन अब 26AS के जगह पर अभी जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आया है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट है पार्ट वन, दूसरा पार्ट है पार्ट बी। फर्स्ट पार्ट में जो है वो टैक्स पेयर का जनरल इंफॉर्मेशन उसमें डाला रहेगा। जनरल इंफॉर्मेशन मीन्स क्या, तो यहाँ पे टैक्स पेयर का नाम रहेगा, पैन नंबर रहेगा, आधार नंबर रहेगा, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल एड्रेस रहेगा, फिर जो है ना उसका कॉरेस्पॉन्डेंस जो एड्रेस पे रहता है वो रहेगा, और सारा उसमें जो है ना उसका या परमानेंट एड्रेस है या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, सारी चीज़ इसमें जनरल इंफॉर्मेशन उसके दिए रहेंगे जो कि जो है वो
जब आरटीआर फाइल करते हैं तो आरटीआर फाइल करने के बाद जो उनको आरटीआर के जो है फॉर्म में जो मिलता है वो पार्ट उनका पार्ट वन में इन्हें पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा। ये चीज 26AS में नहीं होते थे, केवल नाम रहते थे और जो ना पेन नंबर रहते थे और इससे ज्यादा नहीं रहते थे। लेकिन यहाँ पे जो है ना सारी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है सारा चीज आपके पार्ट वन में रहेगा। दूसरा आता है पार्ट बी। पार्ट बी में है क्या कि आपका इंफॉर्मेशन रहेगा जो आपको टैक्स से रिलेटेड है, मीन्स टैक्स के डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो रिकॉर्ड आपके आपका है वो रिकॉर्ड वहां पे आपको पार्ट बी में मिलेगा। अब क्या है रिकॉर्ड क्या पार्ट बी में है टैक्स डिपार्टमेंट के पास, तो आपका सपोज कीजिए आपका TDS कटा है तो TDS का पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा कि पूरे ईयर में कितना TDS आपका कटा है। आपका TCS कलेक्शन हुआ है तो पूरे ईयर में कितना TCS कलेक्शन हुआ है वो आपका पूरा डिटेल रहेगा। अगर आपका स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है SFT है वो भी आपका उसमें पूरा डिटेल रहेगा। फिर उसके बाद टैक्स का जो है ना आपका आप कितना टैक्स पेमेंट किए हैं ये जो है 26AS में नहीं रहता था, लेकिन आप टैक्स कितना पेमेंट किए को सपोज एडवांस टैक्स पे करते हैं तो एडवांस टैक्स का डिटेल जो है 26AS में नहीं होता था। तो यहाँ पे आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में एडवांस टैक्स का जो पे करेंगे तो आप जो है आपका वहाँ पे डिटेल रहेगा। उसके बाद फिर जो है ना आपका सपोज कीजिए पिछले रिफंड आया है तो रिफंड का भी पूरा डिटेल आपके पास उस स्टेटमेंट में रहेगा। उसके बाद सपोज कीजिए कि आप डिमांड आपके पास आया था तो आपका डिमांड का अमाउंट भी रहेगा कि आपके पास कितना डिमांड आया हुआ था, फिर डिमांड के अगेंस्ट आपने कितना पे किया है उसका अमाउंट भी आपको उसमें आपको मेंशन रहेगा। पूरे ईयर में वो मेंशन रहेगा कि जो ना कितना डिमांड आया था कितना आपने पे किया है। सपोज कीजिए कि आपके पास जो है आपने डिविडेंड से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन किया है आपका पास डिविडेंड मिला है तो आपका डिविडेंड का अमाउंट का भी उसमें रहेगा। उसके बाद सपोज कीजिए कि आपने आपका जो है ना पेंडिंग कुछ प्रोसीडिंग बचा हुआ है, मीन्स फिनेंशियल में चल रहा था जो है ना पेंडिंग प्रोसीडिंग वो का पूरा डिटेल रहेगा कि आपके अगेंस्ट क्या पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रहा था। फिर है कि आपका पेंडिंग प्रोसीडिंग कितना समाप्त हुआ है, मीन्स अगर आपके पास एक चल रहा था तो एक जो है ना उसमें मेंशन रहेगा और अगर आपका उसी ईयर में वो एक जो है ना प्रोसीडिंग खत्म हो गया जो है तो आपका वो डिटेल मेंशन रहेगा कि अगर एक चल रहा था तो एक खत्म हो गया तो मीन्स आपका उसमें लिखा रहेगा। अगर सपोज कीजिए कि आपके अगेंस्ट जो है ना प्रोसीडिंग 4 चल रहा था लेकिन आपके पास खत्म हुए तो ही तो आपका जो उसमें 4 का मेंशन रहेगा कि आप प्रोसीडिंग चल रहा था तो खत्म हुआ, तो इस तरह से क्लियर आपका उसमें इंफॉर्मेशन रहेगा। ये मीन्स प्रोसीडिंग जो है पेंडिंग है वो भी रहेगा, कंप्लीट जितने प्रोसीडिंग हुए वो भी रहेगा। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू सब रूल 2 ऑफ सेक्शन जो है ना 114 के अंतर्गत जो भी आपका कुछ इंफॉर्मेशन है वो भी उसमें दिया हुआ रहेगा। तो यही सब इंफॉर्मेशन आपके पास जो है ना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में रहेगा जो कि डिटेल में जो 26AS स्टेटमेंट होते थे उसमें नहीं हुआ करते थे जो है। तो अब जो है कंफ्यूजन, पहले आदमी को 26AS में कंफ्यूजन होता था कि मेरा जो है ना प्रोसीडिंग क्या है नहीं है, कंप्लीट कितना हुआ है, फिर क्या डिविडेंड का जो है लीगल वे में आदमी जो है ना इंफॉर्मेशन नहीं रहते थे, तो ये सब आदमी का जो है ना कंफ्यूजन होने का जो है ना आदमी डाउट में रहता था। लेकिन अब जो है ना सारा आपका इंफॉर्मेशन वो 26AS के में जो होता था उससे ज्यादा मामले में आपका यहाँ पे जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि जो ना 26AS पहले जो था वो ब्रीफ पार्ट था, अब जो है ना वही वर्जन चेंज होके वो डिटेल पार्ट में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का जगह ले लिया है, इसलिए इनका नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया है जो है वो 26AS के जगह पर अब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इसको कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि अभी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो न्यू स्टेटमेंट जारी किया है 26AS की जगह पे, वो क्या है और कितना है, दोनों में भिन्न है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद।